मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश के चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कोरोना वॉरियर्स का अभिवादन और उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही कोरोना की लड़ाई में डॉक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। ये हमारे डॉक्टर्स वरिष्ठ बैठे होंगे, सुन रहे होंगे मुझे कहीं ना कहीं, जिला चिकित्सालय के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनसे कहना चाहता हूं, पेशेंट को वहीं ठीक कर देना, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और इसलिए आपकी जो जिला चिकित्सालय और नीचे के अस्पताल, उनकी बहुत जबरदस्त भूमिका है इस समय। कोरोना का इलाज पता है आप, वो भोपाल चले जाओ या अनूपपुर छतरपुर चले जाओ या और नीचे चले जाओ, लगभग अब जो इलाज है वो है। हमको कोशिश करनी कि भाई नीचे ही इलाज कर दें, ठीक हो रहे हैं लोग। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, इनका बोझ, उज्जैन, इनका बोझ कम करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, हम व्यापक तैयारी कर रहे हैं, ये इसका ठिकाना नहीं दूसरी लहर के बाद तीसरी कब आ जाए। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन लाइनें बिछाई जा रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की दिक्कत है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं हवाई जहाज से खाली टैंकर भेजना, एयरफोर्स के विमानों से, रेल में भी टैंकर रख के लाना, और आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने देंगे। अब तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश हो रही, उसमें जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन भविष्य के लिए तो हम व्यवस्थाएं ठीक और कर लेंगे। आज तो मैं ये कहने के लिए आपसे आया हूं कि जैसे आप योद्धा, कोविड योद्धा बनकर लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, समाज आपके साथ खड़ा है, उतनी मेहनत करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। समाज का ये ऋण, समाज पे आपका ये ऋण कोई कभी भूलेगा नहीं। एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए, भगवान से यही प्रार्थना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो, लेकिन वो होगा आप सबके हाथों। उसलिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्यु दर 1% से कुछ अधिक है हमारे यहां, मतलब लगभग 99% लोग ठीक होके जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की उसमें बड़ी भूमिका है। अभी हमीदिया अस्पताल भोपाल से ही वेंटिलेटर पे जो पेशेंट चले गए थे वो रिकवर होके बाहर निकले, और सचमुच में सरकारी अस्पताल आम जनता का सहारा है। जो आम जन है, जो गरीब है, जिनके पास इलाज के लिए, खर्चने के लिए धन नहीं है, उनके लिए सहारा अगर कोई है तो सरकारी अस्पताल। और चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सरकारी अस्पताल हो हमारे, चाहे जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लगातार काम कर रहे हैं। हर अस्पताल में काम हो रहा है इस समय। अगर जिलों में और जिलों के नीचे भी इतने व्यापक पैमाने पर हम काम ना करते तो बड़े अस्पतालों में बेड नहीं मिलते। आपकी दोहरी जवाबदारी, एक प्रदेश की जनता के साथ मिलकर हम ये संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई रास्ता भी नहीं है, संक्रमण की चेन तोड़ो। इसलिए कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं।
और दूसरी तरफ किल कोरोना अभियान क्यों चलाया है कि एक सर्दी जुकाम बुखार खांसी जहां पेशेंट मिले देखें उनको मेडिकल किट दें, टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी देर हो तो उसके पहले कम से कम मेडिकल किट मिल जाए।